गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। बच्चों आज मैं आपको आपकी जयति मैम ये इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर क्लियर करूंगी, ठीक है। ये टॉपिक हमारा ना केवल ग्रामर सेक्शन को टच करेगा, इसके साथ ही साथ या इससे आप राइटिंग पार्ट भी सीखेंगे कि हम धीरे धीरे जब हम राइटिंग सीखते हैं तो स्मॉल सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या लिखा है, ये नाउन में हम सीखते हैं कि किस नाउन क्या है, कोई भी नेमिंग वर्ड, ठीक है। कोई भी नेमिंग वर्ड जो है वो हमारा नाउन होता है। देखिए जैसे आपकी स्टिक सामने है, पढ़िए क्या है ये, रामपुर। रामपुर नाम है, ये क्या हुआ नाउन। ये पढ़िए क्या है, गर्ल्स। पढ़िए डायमंड। डायमंड है, विराट कोहली है, कैट है। तो हम किसी भी वर्ड का जहाँ पे नेमिंग वर्ड होगा, ठीक है, किसी भी चीज का नाम होगा तो वो क्या कहलाएगा, नाउन। अब हम सेकंड पहुंचते हैं अपने प्रोनाउन पर। ये देखिए क्या है, वी आई हिज। तो जो वर्ड्स हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूं गुलफिजा इज अ गुड गर्ल, शी डज ऑल हर वर्क डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है। शी ऑलवेज स्टैंड्स, गुलफिजा ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तो मैं बार बार क्या यूज कर रही हूँ, गुलफिजा गुलफिजा, तो एक अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। तो जब हम नाउन के रेपिटेशन को खत्म करते हैं उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, शी। यानी कि मैं गुलफिजा को एक बार तो गुलफिजा बोलूंगी लेकिन फर्दर सेंटेंसेस में क्या बोलेंगे, शी। गुड। तो जो वर्ड्स हमने नाउन के प्लेस पे यूज किए वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट, गुड। वर्ब मीन्स क्या होता है आप लोग जानते होंगे, आपके सिलेबस का चैप्टर है ये। क्या होता है, एक्शन वर्ड्स। वेरी गुड, एक्शन वर्ड्स। जिसमें कोई काम हो रहा होगा वो क्या कहलाता है, वर्ब। जैसे एक्शन वर्ड्स पढ़िए आप, क्राई, रोना, प्ले, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। फाइट है ना। इसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, एडजेक्टिव मीन्स वेरी गुड, खूबी, तारीफ, कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसमें हम नाउन की क्वालिटी शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला निषाद, तो निषाद इज अ शॉर्ट गर्ल है ना, उसकी हाइट कम है, तो उसके लिए मैंने कौन सा वर्ड है ऐसा जो उसकी क्वालिटी बता रहा है, शॉर्ट। तो ऐसे ये वर्ड्स आपके सामने देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, फाइन, टॉलेस्ट, बेटर। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये क्वालिटी वर्ड्स हैं, टॉप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। देखो नाम में ही जुड़ा हुआ है एडवर्ब, वो वर्ड्स जो कुछ वर्ब में एड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा आई टीच, आई टीच, तो मैं इसमें आई क्या है हमारा, आई क्या है, टीच क्या है, वर्ब होगी, एक्शन हो रहा है इसमें। अगर मैं आपसे बोलूं आई टीच क्लियरली, तो क्लियरली क्या है, एडवर्ब, क्योंकि ये आपको क्या कर रहा है, टीचिंग कैसे हो रही है ये बता रहा है। तो जो वर्ड्स हमारे वर्ब को क्लियर करते हैं, वर्ब था टीचिंग, तो जो वर्ब, जो वर्ड्स हमारे वर्ब को क्लियर कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब। अब एडवर्ब के बाद क्या है, प्रीपोजिशन। ये भी इसके वर्ड में इसकी डेफिनेशन छिपी है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो जो वर्ड्स हमें किसी चीज की पोजीशन शो करते हैं, लोकेशन बताते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे बिटवीन, दो के बीच में, यानी कि बिटवीन, तो इसने पोजीशन बताई। जैसे मैं बोलूं निषाद इज स्टैंडिंग बिटवीन हंशिका एंड गुलफिजा, तो दो के बीच में खड़ी है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसने निषाद की पोजीशन शो करी, बिट, वेरी नाइस। अब ये क्या है, विद, आई एम स्टैंडिंग विद संगीता मैम, तो विद क्या है, प्रीपोजिशन। तो इस वर्ड ने क्या बताया हमें, ये प्रीपोजिशन, पोजीशन बताई। तो जो वर्ड्स हमारी पोजीशन शो करते हैं दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं बताइए मैम, हमारी वो बता रही है, नो, कंजंक्शन क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है। कंजंक्शन का मतलब ज्वाइन करना, तो जो वर्ड्स
ऐसे वर्ड्स जो हमारे दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस। आप एग्जांपल दे सकते हैं, निशाद एंड गुलफिजा आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दो हमने वर्ड्स को जोड़ दिया। या हम बोल सकते हैं आई एम टीचिंग एंड शी इज लिसनिंग, तो दो सेंटेंस ने दो सेंटेंस किससे जुड़े, एंड से। शी इज हैप्पी, शी इज रिच, बट शी इज नॉट हैप्पी। तो बट क्या है, कंजंक्शन। क्योंकि क्यों कंजंक्शन है, लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन। क्या है ये इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी इमोशंस, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो हमने कुछ भी बहुत अच्छा देखा, हम क्या बोलते हैं, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, बोलते हैं। तो वो हमारा क्या है, ओ वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन। वो हमारा सरप्राइज शो कर रहा है। तो जो वर्ड्स हमारा सरप्राइज शो करते हैं या हमारी फीलिंग शो करते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्लियर हुआ ये टॉपिक? चलिए अब जल्दी से हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं, इसे मिक्स कर देते हैं और दो दो चांस आपको दी जाती हैं, आप इसे इसमें लगाइए। मिक्स करो, अब देखते हैं कि आपको टॉपिक कितना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो स्टार्ट करो बेटा, आप भी करो, ट्राई करो। स्टिक को ऐसे रखो, ऊपर देखो। चलिए चेक करें बच्चों, ठीक है। चलो मैम चेक करिए, देखते हैं आपको कितना सीखना है कुल मिला से, ठीक है। इंटरजेक्शन बिल्कुल सही है आपके। All are correct. पर है जो वीडियो बनती है मुझे सेंड करती है ना मैम। जी मैम। Read read means फोटो ले लेंगे। इसमें आएगा ये और मैं बात नहीं ले पाएगी तो सर। चलिए अब बात किस में आएगा बेटा? बात को लेके वीडियो लेते हैं। अपॉन मींस पर, ऊपर। तो किस पर आएगा? प्रेपोजिशन पे आएगा। प्रेपोजिशन इस तरीके से बेटा आपने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स सीख लिए, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन इसका एक तरीका, ये तो हमने अलग अलग सीखे हैं, बट इससे हम सेंटेंस मेकिंग कैसे सीखेंगे ये भी अभी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अभी हमने प्रेपोजिशन सीख लिए। इंग्लिश में जो भी वर्ड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी सीखा एक नाउन है, फिर प्रोनाउन है, इस तरह से सारी वर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना तो सीख लिया कि हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अब हम सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कौन बच्चा पहले ट्राई करेगा? करो, आ जाओ साइड हो बेटा, ट्राई करो, ठीक है। सिक्स ई
ये भी है, नहीं यूज करना यूज कर सकते हो। करो अनाया आनंद रीड। हाँ स्लोली। गुड, वेरी गुड। तो इसमें आपने क्या चीज यूज की है, कौन कौन सी वर्ड क्लास यूज करी? नाउन, वर्ब, एडवर्ब। वेरी गुड, क्लैप करो बेटा इस बच्चे के लिए। और फिर बच्चा ट्राई करेगा। आ जाओ, इस तरीके से आपको फॉर्मेशन आ गया। इसमें से भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। विराट कोहली। गुड, विराट कोहली। कुछ वर्ड भी नहीं है। प्ले। वेरी गुड। वेरी गुड, विराट कोहली प्लेस अर्ली। गुड, वेरी गुड। इस तरीके से ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और एक बेटा, जो हम एक बार सीख लेते हैं, जो खेल खेल में चीज सीखते हैं, वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा।